बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि एमरजेंसी में जो है ना टिकट लगा है सिर्फ इब्रार का, तो वो आप सब लोगों से शेयर करते हैं। लेकिन अभी जो है ना आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज ना आपको बताते हैं कि हमने थोड़ी सी दावत भी की है और एमरजेंसी में ना हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हम जा रहे हैं उम्रे पे, तो टिकट लगवाने के लिए गए थे। तो मैंने सोचा था कि मैं, मेरी जिठानी साहिबा और इब्रार, इन हम तीनों तो ज़रूर ही जाएंगे, बाकी के जो है ना जिनके टिकट लगेंगे लगेंगे। लेकिन एमरजेंसी में इतने जल्दी जो है ना सिर्फ एक ही टिकट लगा है और वो भी इब्रार का लगा है, तो हम तो जा नहीं सके। तो इब्रार जा रहा है, तो आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए बहुत सारी दुआएँ करनी है क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इतनी अच्छी जगह पर बुलाया है। तो उसके नसीब में, उसकी किस्मत में लिखा था माह रमज़ान का महीना है, तो वो उसको शौक़ भी बहुत ज़्यादा था जाने का, तो हर वक्त कहता था कि उम्रे पर चलना है, उम्रे पर चलना है, हर वक्त यही बात कहता था। तो अल्लाह ताला ने मेरे बेटे की सुन ली है, तो अभी जो है ना चले अंदर चलते हैं और बाकी की बातें आप लोगों से अंदर शेयर करते हैं। हमने थोड़ी सी दावत की है एमरजेंसी में, और क्योंकि हमारा दावत का प्रोग्राम 27 रोज़े वाले के दिन की तरह तो था, क्योंकि हमें सोचा था कि 27 रोज़े के दिन हम दावत करेंगे। लेकिन जैसे इब्रार देखा कि आज मुझे तकरीबन 10 बजे उसकी फ़्लाइट है, तो आज उसने जाना है, तो हमने सोचा कि आज थोड़ी सी दावत भी कर लेते हैं, बाकी की जो है ना वो बाद में कर लेंगे। तो आज हमने दावत की है क्योंकि माह रमज़ान का महीना, हमने ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं है, बस इब्रार के दोस्त वगैरह हैं, सलमान जाहिद यानी कि उसके दोस्त वगैरह जो है ना, वो सिकंदर भाई भी आए हुए हैं, थोड़े से लोग आए हुए हैं, बाकी जो है ना घर घर में दे दीजिए। तो अभी पैकिंग करते हैं चल के इब्रार की, क्योंकि अभी उसको जल्दी से जल्दी जाना है, तो चले अंदर चलते और चलते पैकिंग। तो सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, खुशी भी बहुत ज़्यादा है और दुख भी दिल को हो रहा है क्योंकि इब्रार अकेला जा रहा है। हमारी ख्वाहिश थी कि कोई एक तो उसके साथ अपना दोस्त या उसके घर में से किसी कोई एक अपराध तो होता, तो ये भी एक बात है। बहुत वैसे तो बहुत ज़्यादा दिल को खुशी हो रही है कि मेरा बेटा, अल्लाह ताला ने उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अल्लाह ताला ने उसको अपने घर बुलाया है, तो अल्लाह वो जाएगा मक्का मदीना में, घूमेगा फिरेगा सैर करेगा, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करेगा। तो अभी जो है ना उसकी सारी पैकिंग करते हैं, जो सामान, ये बैग जो है ना ये भी अभी लेकर आया, क्योंकि हमने बाकी के कपड़े में गया तो कल शॉपिंग तो उसी की कर ली थी, लेकिन कपड़े भी ले लिए थे, लेकिन हमने सोचा था कि बैग आज जाकर लेकर आएंगे या कल का प्रोग्राम। तकरीबन 26 तारीख को उसकी फ्लाइट उन्होंने बताया था कि होगी, लेकिन ये जैसा कि आपको बताया है कि ये टिकट एमरजेंसी में लगवाया गया है, तो उन्होंने सुबह ही कॉल की कि आपका टिकट जो है ना वो आज लग चुका है। आज 21 तारीख है, 24 तारीख है, हाँ आज 24 तारीख है, तो दो दिन बाद जाने वाला था, लेकिन आज 24 तारीख है, तो उसने आज ही जाना है। तो अभी पैकिंग करते हैं, तो इब्रार जो है ना अभी तैयार होकर आने वाला होता, वो तैयार हो रहा है जाने के लिए, और ये सारा सामान जो है हम लेकर आए हैं, ये बैग भी अभी अभी हम लेकर आए हैं, ये देखें, तो सब सामान इसमें रखते हैं, ये मेकअप का सामान। सलाम करो भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत 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 ज़्यादा मुबारक मेरे बेटे को। तो असीब असीब भी आ गया, असीब सलाम करो, आज असीब ने रोज़ा रखा था, बताया आपने, आज असीब ने रोज़ा रखा था 12 बजे तक का। जी साथ में ले जाने वाले हैं ना पहनने के लिए, दूसरे हैं ये साथ में ले जाने वाले, ये शूज हैं और ये जो अहराम बांधते हैं वही है ना, ये उसके कपड़े हैं। तो अभी इतना एमरजेंसी में सारा काम हुआ है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें ले ही नहीं सके, तो अभी बाकी का सामान देखते हैं कि क्या क्या पैक है। अभी कपड़े बाकी भी इस्त्री कर रहे हैं, बस सब के ग्राहक के दोस्त आए हुए हैं, सिकंदर भाई, सलमान, तो इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको दोस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत, ये हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन हम जो चाहते थे ना, हम चाहते थे कि एक इसका दोस्त या ग्राहक का या फिर हमारी फैमिली में से एक और। हाँ जी जी, अभी मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, जब अल्लाह ताला बुलाता है, जिसको अल्लाह ताला बुलाता है ना वही जाता है। अभी हम पहले दुआ करते हैं, दुआ करें अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हज करने की, उम्रा करने की तौफीक दे।
और जितने मुसलमान देख रहे हैं हमें, अल्लाह ताला उन सब की परेशानी दूर करे और उन्हें सेहत दे और लंबी जिंदगी दे, आमीन। तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। तो इंशाल्लाह इस साल मुझे लगा क्या कराएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम बहुत सारे इंशाल्लाह जब हमें अल्लाह पाक बुलाएगा ना तो फिर कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना ये स्टिक मैं डाल रही हूँ इसमें, तो इब्राहिम ने रोज वीडियो बनाकर ना मक्का मदीना की भेजने ताकि हम भी देखें और आप सब लोगों ने भी देख लिया, ठीक है। असल में ना आप फिर लोग कहेंगे कि आप अम्मी को लेकर नहीं जा रही, तो पहले मैं आपको वजह बता दूं, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट थी वो 27 को थी जी। और एकदम से हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई और फ्लाइट चली गई आगे, और इस फ्लाइट में एक ही सीट बाकी थी, उन्होंने कहा कि एक ही टिकट बाकी है, तो फिर ये कहते थे कि हमें रमजान में जाना है, तो मैंने कहा मुझे फिर एक मुझे जाने दें, तो इंशाल्लाह आप फिर नेक्स्ट टाइम सारे इकट्ठे होके सारी फैमिली इकट्ठी जाएंगे, क्योंकि इसमें इस जो सीट थी ना इस जहाज में एक ही सीट बाकी बची और वो भी जबरदस्त थी, कोई पता नहीं था मुझे, मैं नींद में सो रहा था, उसने कहा कि ऐसी बात है अगर एक सीट बची है चलना है तो बता दें, नहीं तो तुम्हारी बची, लेकिन हमारी जो सीट बुकिंग थी वो 27 को थी, तो अब 27 से आगे कर दिया उन्होंने ईद के बाद, तो फिर जा नहीं सकेंगे, एक ही सीट बची थी, तो फिर इंशाल्लाह अम्मी और बाकी फैमिली जो है ना वो ईद के बाद ही सारे जाएंगे। तो अभी जो है ना हमें तो समझ नहीं क्या क्या लेकर जाना है, कुछ बाबर बता रहा है कुछ हम आप सोच कर बता रहे हैं, तो अभी देख ले चीजें पूरी है, ये जो हमने दावत दी है कि रोजे के साथ है जहाँ तक पहुँचेगा, ये तो ये रोजा अख्तियार करेगा उधर, तो बाकी जो ये वो भी था दो पैसे वाले पास। हाँ ये सबसे पहले मेरे लिए दुआ करनी है, हर मुसलमान के लिए करनी है, सबके लिए करनी है, स्पेशल दुआ अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से ले जाए, इंशाल्लाह पूरी दुआ हमारी आपके साथ है इंशाल्लाह, और अपना ख्याल रखना है, और जितने वो होते हैं ना ज़ियारत मदीना मक्का सब करनी है इंशाल्लाह। भाई बिजी रहो, क्योंकि मेरा जो मकसद है ना वो लोग तो जाते हैं मदीना के और मक्का में उम्रा करके आ जाते हैं, लेकिन मैंने इरादा किया है कि मैं हर एक को वो ज़ियारत करूँगा जहाँ नबी पाक लश्कर लेके गए, जो भी मतलब कि मैं चाहता हूँ कि एंड तक मदीना मक्का के जाऊँ जी, और हर एक वो जगह ढूंढूँ जहाँ पर मतलब कि इसलिए ना बस मेरा एक जो तो अभी जो है ना आप सब बहन भाई ने मेरे बेटे के लिए बहुत सारी दुआ कर दी है, तो अभी जो है ना इब्राहिम की अम्मी तो बहुत रो रही है, इतना ज्यादा रो रही है क्योंकि जिंदगी में पहली मरतबा वो तो आप भी रही है पहली अच्छी होगी, तो ये जो है ना मकसद में जो इसके मकसद है वहाँ जाकर ज्यारते करने का, वहाँ सब कुछ बहुत चीजें देखने का जो जिसकी ये ख्वाहिश रखता है, तो अगर अच्छी सियात होगी तो इंशाल्लाह वो जरूर देख सके, बहुत ज्यादा मेरे बेटे के लिए दुआ करना, तो अभी मैं भी अपने बेटे को हाथ में चले कोई बात नहीं, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी मक्का में मदीना। चले आप लोगों जो मार कर दिए बहुत ज्यादा पेन लिया, बैठी पे समझ गए, बैठे थी।
लगी।